व्हाट्स अप गाइस, आज हम देखने वाले हैं रियासी पे लिबरल्स चुप, जो टेररिस्ट अटैक होता है रियासी पे, और उस पे आपने देखा होगा जब ऑल आईज ऑन रफा हुआ का ट्रेंड, तो सारे बॉलीवुड से लेकर हर एक हो गया था। और और सुनने में आ रहा है कि ये वाला तो हैशटैग हाइड भी करा हुआ है इंस्टाग्राम ने शायद, ऐसा कुछ है, है? ऐसा कुछ है भाई, देखते हैं वीडियो। आर्यन के चैनल पे तो प्लीज सब्सक्राइब, वीडियो कर दे लाइक, 1 2 3 गो। दोस्तों, रविवार को नरेंद्र मोदी जब तीसरी बार प्रधानमंत्री पद की शपथ लेने वाले थे, उससे एक घंटा पहले जम्मू कश्मीर के रियासी में आतंकवादियों ने कटरा जा रही एक बस पर हमला कर दिया। हमला करने वाले टेररिस्ट ने बस के आगे आकर ड्राइवर और कंडक्टर को गोलियां चलाई। दूसरा आतंकवादी किसी ऊंची जगह से बस पर गोलियां चला रहा था। गोली लगने के बाद ड्राइवर ने बस पर कंट्रोल खो दिया। बस 50 फीट गहरे गड्ढे में गिर गई। 11 लोग मर गए। मरने वालों में एक 2 साल का बच्चा भी है। आतंकवादियों ने जानबूझकर ऐसी बस को निशाना बनाया जो जम्मू कश्मीर के बाहर की थी और उसमें सभी हिंदू श्रद्धालु थे। उन्होंने ऐसा क्यों किया ये समझना कोई मुश्किल काम नहीं है। ये तो लोगों की किस्मत अच्छी थी कि बस गड्ढे में गिर गई, वरना बस पर सवार एक भी आदमी जिंदा नहीं बचता। इस हमले ने पूरे देश को गुस्से से भर दिया। लोग सवाल कर रहे हैं कि आखिर कोई निहत्थे लोगों पर हमला कैसे कर सकता है। कश्मीर में आतंकवादी हमला कोई नई बात नहीं है। अक्सर आतंकवादी यहाँ आर्मी, पुलिस या CISF पर हमला करते रहते हैं, मगर बस में सवार ऐसे लोगों पर हमला करना जिनका कश्मीर के मसले से कोई लेना देना नहीं है, जो उस स्टेट के भी नहीं, जो बेचारे घर से धार्मिक यात्रा करने निकले, उन्हें ऐसे मार देने का क्या मतलब हो सकता है, ये समझ से परे है। मरने वालों में एक पति पत्नी भी है जिनके 3 बच्चे हैं, मगर वो यात्रा में साथ नहीं आए थे। उन बेचारों को तो ये तक नहीं पता कि उनके मम्मी पापा के साथ हुआ क्या। उनके रिश्तेदारों ने बच्चों को सिर्फ ये बता रखा है कि मम्मी पापा का एक्सीडेंट हुआ है, उन्हें वापस ला रहे हैं। हमला करने वाले अगर अपनी तरफ से कोई लड़ाई लड़ भी रहे हैं, तो ये कैसी लड़ाई है जिसमें उन लोगों को दुश्मन समझकर मारा जा रहा है जिनका उस लड़ाई से कोई लेना देना ही नहीं है। ये देखकर मन गुस्से से और भर जाता है कि इतनी शर्मनाक घटना के बावजूद सोशल मीडिया पर कोई सेलिब्रिटी इसके विरोध में पोस्ट शेयर नहीं करता। मतलब ये वो लोग हैं जो फिलिस्तीनियों के समर्थन में ट्विटर पर ऑल आईज ऑन रफा के पोस्ट तो धड़ल्ले से शेयर करते हैं, मगर अपने ही देश में श्रद्धालुओं के मारे जाने पर ऐसी चुप्पी मार जाते हैं जैसे ये घटना किसी और प्लेनेट पर हुई हो और किसी एलियन ने अब तक फोन करके उन्हें घटना की जानकारी न दी हो। इससे बड़ा दोगलापन और बेशर्मी क्या हो सकती है दोस्तों, बताइए। यही वो लोग हैं जो कश्मीर में पत्थरबाजी रोकने के दौरान अगर CRPF की रबड़ की गोली से भी कोई घायल हो जाता था तो मानवाधिकारों की दुहाई में छाती पीट पीट कर अपने हाथ छील लेते थे। लेकिन यहाँ 11 बेकसूर लोग मारे गए, कितने बच्चे अनाथ हो गए हैं, 1-2 साल का बच्चा भी मारा गया, मगर मजाल है कि ये निर्लज्ज उस पर एक शब्द भी बोल पाए। आपको याद होगा जब अटल जी प्रधानमंत्री बने थे उस वक्त भी कश्मीर में आतंकी घटनाएं बहुत होती थी, सेना और CRPF भी लगातार इनके खिलाफ ऑपरेशंस चलाती थी। लेकिन अटल जी जब PM बने तो भारत सरकार ने शांति की पहल करते हुए रमजान के पाक महीने में इनके खिलाफ ऑपरेशंस रोक दिए। आज भी कश्मीर में बहुत सारे लोग अटल जी की सरकार की उस पहल की तारीफ करते हैं, मगर उस सब के बदले में कश्मीर में आतंकवाद फैला रहे लोगों ने क्या किया बताइए। आतंकवादियों ने अगस्त 2000 में पहलगाम में श्रद्धालुओं के जत्थे पर हमला करके 30 लोगों की जान ले ली। उस हमले में 60 से ज्यादा लोग जख्मी हो गए। अगले ही साल 20 जुलाई 2001 में अमरनाथ यात्रा पर शेषनाग में ऐसा ही हमला करके 13 लोगों की जान ले ली गई। उसके बाद 6 जुलाई 2002 में फिर से अमरनाथ में नुआन बेस कैंप पर हमला करके 9 श्रद्धालुओं को मार दिया गया। इसके बाद अमरनाथ यात्रा पर ऐसा ही हमला 2017 में भी हुआ था जब अनंतनाग में 8 श्रद्धालु मारे गए थे। ये सब तो मैं उन घटनाओं का जिक्र कर रहा हूँ जब कश्मीर में बॉर्डर पार आतंकवादियों ने अमरनाथ यात्रा पर हमला किया। अब आप मुझे बताओ, एक पल के लिए हम मान भी लें कि कश्मीर में जो भी थोड़े बहुत लोग जंगे आजादी के लिए ये सब कर रहे हैं, उनसे मैं पूछता हूँ ये आजादी की कौन सी लड़ाई है जिसमें आप उन लोगों को मार डालते हैं जो आपके घर पर अपने ईश्वर को पूजने आए होते हैं। अरे भाई, बाहर से आया कोई भी शख्स हमारे यहाँ मेहमान माना जाता है। गरीब से गरीब आदमी खुद भूखा रहता है मगर वो अपने मेहमान की सेवा करना नहीं भूलता, मगर कश्मीर में तो आतंकवादी उन लोगों को मार डालते हैं जो उनके घर अपने ईश्वर की पूजा करने के लिए आते हैं। हर युद्ध हर लड़ाई के भी कुछ नियम होते हैं दोस्तों। फौजें भी आम नागरिकों पर हमला नहीं करती, मगर कश्मीर के आतंकी तो इतने बेशरम और नीच हैं कि ये लोग निहत्थे श्रद्धालुओं को भी नहीं छोड़ते। ये लोग नहीं समझते कि निहत्थे लोगों पर गोली चलाकर उन्हें मार देना जिहाद नहीं, नपुंसकता है। मगर हैरानी है कि भारत के सो कॉल्ड बुद्धिजीवी जब भी कश्मीर मसले की बात करते हैं तो हर बार हथियार उठाने वालों को मजलूम बताते हैं, उन्हें भटका हुआ साबित करते हैं। जवाबी कार्रवाई में कोई घायल भी हो जाए तो उसके लिए अपनी ही आर्मी को गाली देते हैं, मगर निहत्थे लोगों पर गोली चला देने की आतंकवादियों की नपुंसकता पर वो एक शब्द भी नहीं बोलते। क्या पूरी दुनिया में आपको बेशर्मी और दोगलेपन की ऐसी कोई दूसरी मिसाल देखने को मिलेगी? कश्मीर में पत्थरबाज अक्सर बच्चों और महिलाओं को आगे करके पत्थरबाजी करते थे। इन पत्थरबाजों से निपटने के दौरान CRPF की रबड़ की गोली किसी बच्चे या महिला को अगर लग जाती थी तो ये लोग उसका घायल सिर दिखाकर, उसका शरीर दिखाकर पूरी दुनिया में ये प्रोपेगेंडा चलाते थे कि देखो भारतीय फौज तो औरतों और बच्चों पर जुल्म ढा रही है।
उन पर गोलियां चलाई जा रही। तब इन सो कॉल्ड बुद्धिजीवियों में से कोई आगे आकर ये नहीं कहता था कि भाई सेना ने घर में घुसकर थोड़ी ना इन लोगों को गोली मारी, अगर आप इन बच्चों और औरतों की आड़ में पत्थर चलाओगे, इन्हें सड़क पर सबसे आगे रखोगे तो सेना क्या करेगी, क्या फौजी आपके पत्थरों से चोट खाकर मर जाए और चोटें खाते रहे। तब किसी ने उन हालात में आर्मी या सीआरपीएफ के पक्ष में बात नहीं की। और जब रियासी में इन्हीं आतंकवादियों के हमले में 2 साल का एक बच्चा मारा गया तो कोई उस पर बोलने को तैयार नहीं। हकीकत यह है कि इन एजेंडा चलाने वालों को तो न तो कश्मीर के बच्चों की फिक्र है और न ही देश के किसी दूसरे हिस्से के बच्चों की। उनके लिए हर इंसान, हर घटना एक टूल है अपना एजेंडा आगे बढ़ाने के लिए। आज भी जब रियासी में शपथ ग्रहण से पहले हमला हुआ तो ये लोग उसके लिए आतंकवादियों की निंदा नहीं करेंगे, उल्टे इसे घटना से सरकार को नीचा दिखाने का काम करेंगे। घटना के बाद से बोल रहे हैं कि देखो मोदी सरकार बड़े दावे करती थी कि हमने कश्मीर से आतंकवाद खत्म कर दिया है, जबकि आज भी आम आदमी मारा जा रहा है। इसमें कोई शक नहीं है दोस्तों कि धारा 370 हटने के बाद कश्मीर में हालात बहुत सामान्य हुए हैं। साल 2023 में कश्मीर में 1,60,00,000 टूरिस्ट आए, मतलब सन 47 में देश के आजाद होने के बाद से किसी एक साल में इतने टूरिस्ट कश्मीर में कभी नहीं। आज कश्मीर की टोटल जीडीपी में से 7-8% टूरिज्म से आ रहा है, मगर इस सबसे भी क्या आतंकवादियों का नजरिया बदला? नहीं, बिल्कुल नहीं। आज भी कश्मीर में हिंदुओं और सिखों की टारगेट किलिंग हो रही है। पिछले 3 साल में हुई ऐसी कुछ घटनाओं पर अगर नजर डालें तो अक्टूबर 2021 में आतंकवादियों ने एक कश्मीरी फार्मासिस्ट माखनलाल बिंद्रू की हत्या कर दी। इसी महीने आतंकवादियों ने सिख महिला स्कूल टीचर सुपिंदर कौर को भी मार डाला और उसी अक्टूबर महीने में सड़क पर फल बेचने वाले वीरेंद्र पासवान की भी आतंकियों ने हत्या कर दी। फिर 2022 में आतंकवादियों ने एक एक करके कई कश्मीरी पंडितों की हत्या की। पहले इन लोगों से रेवेन्यू डिपार्टमेंट में काम करने वाले राहुल भट्ट की इन लोगों ने हत्या की, फिर रजनी बाला नाम की स्कूल टीचर को मारा, फिर कुलगाम में बैंक मैनेजर की पोस्ट पर काम कर रहे विजय कुमार का भी मर्डर कर दिया। अब आप मुझे बताइए, चाहे पाकिस्तानी सरकार हो, चाहे कश्मीर के अलगाववादी या फिर भारत में बैठे इनके हमदर्द, जब भी कश्मीर में फैले आतंकवाद की बात होती है तो ये लोग कहते हैं कि कश्मीर में तो आजादी की लड़ाई चल रही है, जंग लड़ने वाले कश्मीरियों के हक के लिए लड़ रहे हैं। अब मैं आपसे पूछता हूँ, अगर लड़ाई सच में कश्मीरियों के लिए है तो क्या कश्मीरी हिंदू कश्मीरी नहीं है? अगर इन लोगों की लड़ाई भारतीय फौज से ही है तो क्यों बार बार हिंदुओं और सिखों को टारगेट करके मारा जा रहा है? श्रद्धालुओं की बस को निशाना बनाकर बेगुना हिंदू श्रद्धालुओं को क्यों भुना जा रहा है? वजह साफ है, ये कोई आजादी की लड़ाई नहीं है, ये सिर्फ जिहाद है जिसके निशाने पर ऐसे लोग हैं जो उनके मजहब के नहीं है। अब आप इस फैक्ट पर कितनी भी चाशनी क्यों ना लगा लीजिए, मगर ये हकीकत बदलने वाली नहीं। क्या दुनिया में आपको ऐसी कोई और दूसरी मिसाल मिलती है जब एक देश की 80% मेजोरिटी कम्युनिटी अपने ही देश के एक स्टेट में सिर्फ अपने धर्म की वजह से कत्ल कर दी जाती है? और बेशर्मी देखिए, इसके बावजूद नैरेटिव ये बनाया जाता है कि हिंदू तो ऑपरेसर है, ये अपने देश में माइनॉरिटी को दबा रहा है। और आप देखिए, ये इकोसिस्टम भी ऐसे ही वर्क करता है कि बजाय आप इन सवालों का खुलकर जवाब देने के, लोग ऐसे हर बेहुदा इल्जाम पर डिफेंसिव हो जाते हैं। जैसे अभी मोदी कैबिनेट ने शपथ ली तो दिन रात मोदी सरकार को मुसलमानों का दुश्मन बताने वाला इकोसिस्टम इस बात के लिए मोदी को गाली देने लगा कि देखो इनकी कैबिनेट में तो एक भी मुसलमान नहीं है, ये कैसे देश के प्रधानमंत्री हैं? पूरा इकोसिस्टम ट्वीट करके ये साबित करने लगा है कि देखो मोदी तो मुसलमानों के दुश्मन है। अब आप इस कहानी का दूसरा पक्ष देखिए, मोदी सरकार मुसलमानों की दुश्मन है या नहीं है इसे कुछ आंकड़ों से समझिए। देश में मुसलमानों की आबादी 14% है, मगर पीएम आवास योजना में घर पाने वालों में 31%। किसान सम्मान निधि में जिन लोगों को पैसा मिला उनमें 33% मुस्लिम है। मुद्रा योजना में जिन लोगों को पैसा दिया गया उनमें 36% मुस्लिम है। ये मोदी सरकार ही थी जिसने सऊदी सरकार से रिक्वेस्ट करके हज का कोटा बढ़वाया और उस पर लगने वाले जीएसटी को 18% से कम करके 5% किया। 2014 में मोदी की सरकार बनने से पहले जहां सरकारी नौकरियों में मुसलमानों की हिस्सेदारी सिर्फ 5% थी, अब वो बढ़कर 10% हो गई। इस टॉपिक पर हमने कुछ दिन पहले एक डिटेल वीडियो भी बनाया था, ऊपर फ्लैश हो रहे लिंक पर आप जाकर क्लिक कर सकते हो और वो वीडियो देख सकते हो। हम यहाँ किसी का पक्ष नहीं ले रहे हैं बॉस, सिर्फ कुछ फैक्ट्स आपके सामने रख रहे हैं। कोई सरकार किसी कम्युनिटी की दोस्त है या दुश्मन, ये किस चीज से पता करेंगे बताइए? इसी बात से पता चलेगा ना कि क्या उस सरकार ने उस वर्ग के लिए कुछ किया या नहीं किया, क्या सरकार की नीतियों का फायदा उस वर्ग को हुआ या नहीं हुआ। लगभग सारे आंकड़े बताते हैं कि जिन लोगों को सरकारी योजनाओं का फायदा मिला उनमें 30% से ज्यादा मुस्लिम है, मतलब सरकारी योजनाओं में मुसलमानों को उनकी टोटल आबादी से दुगनी से भी ज्यादा हिस्सेदारी मिली है। अब बताएं, क्या ये सब हवा हवा में हो गया? नहीं ना, सरकार अगर किसी कौम की दुश्मन होती तो क्या उसके सरकारी योजनाओं का लाभ उठाने में वो अड़ंगे नहीं अड़ा सकती थी? बिल्कुल अड़ा सकती थी, मगर बीजेपी सरकार ने ऐसा किया या नहीं किया इसकी गवाही तो खुद आंकड़े दे रहे हैं, मुझे कुछ बोलना ही नहीं है। अब आप दूसरा आंकड़ा देखिए, 2024 में खत्म हुए लोकसभा चुनाव में बीजेपी को मुसलमानों का सिर्फ 6% वोट मिला, मतलब 2019 में 9% मुस्लिम वोट बीजेपी को मिला था जो 5 सालों में घटकर 6% हो गया।
मतलब जिस मुस्लिम कम्युनिटी को बीजेपी के टाइम सरकारी स्कीमों में अपनी आबादी से डबल हिस्सेदारी मिल रही है, वही कम्युनिटी बीजेपी को 6% वोट भी नहीं दे रही। अब आप बताइए कि कौन किसके साथ ज्यादती कर रहा है। सरकारी योजनाओं में मुसलमानों को 30% लाभार्थी बनाने वाली बीजेपी कर रही है या फिर बीजेपी को 6% वोट देने वाला मुसलमान, कमेंट करके जरूर बताइएगा और ये वीडियो और भी लोगों तक पहुंचाइएगा। लेकिन इसके बावजूद दोस्तों नैरेटिव ये गढ़ा जा रहा है कि मोदी जी ने अपने कैबिनेट में एक भी मुसलमान को टिकट नहीं दिया, वो तो इनके दुश्मन है। मगर एक भी शख्स दूसरी तरफ से लोगों से ये सवाल नहीं कर रहा है कि भैया जब सरकार आपके लिए इतना कुछ कर रही है फिर आप उसे वोट क्यों नहीं करते, मतलब सरकार अब आपके लिए और क्या करके दिखाए। दिक्कत ये है ना दोस्तों कि जैसे ही आप ऐसा सवाल करेंगे आप पर ठप्पा लगा दिया जाएगा, कोई ये नहीं सोचेगा कि भाई बात तो फैक्ट पर हो रही है, फिर चाहे हम वो सरकारी योजनाओं के लाभार्थियों की बात करें या बीजेपी को मिले मुस्लिम वोट्स की बात करें। लेकिन ना, कोई उस पर बात नहीं करेगा, बस पूरा इकोसिस्टम आपको लेबल कर देगा। इसी तरह कटरा में श्रद्धालुओं की बस पर किसने हमला किया, उसने बेगुनाह हिंदू श्रद्धालुओं को क्यों मारा, 2 साल के बच्चे की हत्या क्यों की गई, इस पर कोई बहस या चर्चा नहीं होगी, बल्कि इस हादसे के बहाने ये साबित करने की कोशिश की जाएगी कि देखिए आज भी कश्मीर में इतना जुल्म हो रहा है कि लोगों को हथियार उठाने पड़ रहे हैं। वो कश्मीर के खराब हालात का रोना रोकर इस घटना को जस्टिफाई करेंगे, फिर चाहे कश्मीर में पिछले साल 1.5 करोड़ टूरिस्ट ही क्यों ना आए हो। अब आप ही बताइए, क्या पूरी दुनिया में दोगलेपन और बेशर्मी की इससे बड़ी कोई मिसाल हो सकती है क्या? बाकी आप खुद समझदार हैं, इस पूरे मसले पर आप क्या सोचते हैं कमेंट करके जरूर बताइएगा। आप गाजा पर हैशटैग चलाने वालों और रियासी में मारे गए लोगों पर चुप्पी साध लेने वालों को अगर कुछ कहना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स शर्म आनी चाहिए। बाकी एक मदद आपको करनी होगी, इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाना होगा, शेयर जरूर कर। एक चीज बताती हूँ, कल परसों मैंने तुझे एक वो इंटरव्यू दिखाया था, मुझे नाम याद नहीं है कोई जो, ठीक है, उन्होंने क्या बोला था, मोदी के जो दुश्मन है किसी और देश में नहीं है, भारत में बैठा है, ठीक है, भारत के जो मोदी और भारत, ठीक है, इनके जो दुश्मन है वो कोई बाहर के नहीं है, अंदर ही बैठे हुए हैं। जिनको आज 10 साल में मोदी का काम बिल्कुल ही बेकार लगने लग गया, उनको कभी 60 साल में ये नहीं दिखाता कि क्या हालत थी लोगों की, किस तरीके से काम किया गया था लोगों के लिए। जो दूसरी पार्टी है ना उसमें मैंने ये चीज देखी है, स्पेशली बता रही हूँ, पर्टिकुलर एक मुस्लिम, उसके लिए बता रही हूँ, मुस्लिम अगर उस टाइम पे भी पंचर लगाता था ना जो तो बंदा वो पंचर लगाने वाली योजना चेंज कर देंगे, लेकिन वो इतना वो नहीं करा उन्होंने कि उस पंचर लगाने वाले की लाइफ बेटर कर पाए, बेटर नहीं कर। हाँ ये है, अगर कोई सब्जी बेच रहा है ना तो उसे इतना भड़का बेचेगा वो सब्जी ही, ये कोशिश नहीं करी कि उसकी लाइफ थोड़ी बेटर करो, एजुकेशन यहाँ पर उसे उन चीजों में भड़काया, अरे तेरे साथ तो ये हो रहा है, वो हो रहा है, ऐसे हो रहा है, दो तीन चीजें चला दी कि महंगाई होगी या बेरोजगारी होगी। अरे बेरोजगार अगर कोई सामान बेच रहा है, मान लो काम को भी छोटा बड़ा नहीं, सब्जी बेच रहा है तो बेरोजगारी कैसे होगी, वो काम कर रहा है वो काम क्योंकि भैया जो जिस उस पे और है। महंगाई की बात कर रहे हो आप, वही नारियल पानी वो 20 का बेचता था, आज वही नारियल पानी 60-70 का बेच रहा है। इस चीज पे कोई यार दोगलेपन की हद होती है। जहां तुम्हारा महीने का राशन 2000 का आता था, आज तुम्हारा महीने का राशन 4000 का आ रहा होगा, लेकिन जहां तुम्हारी बचत मान लो महीने की 3000 और बचते थे, आज तुम्हारे 12000 बच रहे होंगे। मतलब इतना दोगलापन ये चीज़ बहुत तो है, मतलब हाँ। कोई मैं बता रहा हूँ, बहुत सारे लोग एक वीडियो देखी थी, ठीक है, उसमें उनसे पूछा कि क्या याद है उसने क्या बोला था कि मोदी ने हाँ ठीक है राशन दे रहा है पर वैसे बहुत गलत कर रहा है, क्या गलत कर रहा है ये तो नहीं पता, ये नहीं पता है लेकिन पर कि उसने बोला कि जो रिपोर्टर थे कुछ तो बताओ कि भाई ऐसा क्या कर दिया मोदी ने, नहीं खाना दे रहे राशन दे रहा है वो ठीक है, गलत तो पता नहीं तो पर तुम्हें गलत कर दिया, 8,500 रुपए देने वाला बढ़िया लग रहा है, नहीं ब्रेन वॉश्ड हो कि बिल्कुल बस किसी ने तुमसे तुक्का मार दिया कि हम तुझे इतने पैसे दे देंगे तो तुम इतने पागल हो गए, मतलब इतना सस्ता ईमान है, इतना सस्ता कि बस ये, अरे कुछ तो बताओ, देश से मतलब ही नहीं है ना, देश से मतलब नहीं है, पढ़े लिखे आधे ज्यादा लोग है नहीं, पता है नहीं कि देश कैसे चलता है, क्या मतलब सीरियसली बेरोजगारी, लोग कहते हैं बेरोजगार, अरे भैया सरकार नहीं दे सकती नौकरी यार, कंपनियां हैं, आज जो लोग थाली बैठते थे ना आज उनके पास ये ऑप्शन है कि भैया कुछ ना करने से बेटर सिक्योरिटी गार्ड की जॉब भी कर सकते हैं, वो 17-18 हज़ार रुपये उठा सकते हैं, भूखा कोई नहीं मर रहा, नियत होनी चाहिए कमाने की, और जो बिल्कुल बिल्कुल कुछ नहीं कर पा रहे उनके लिए राशन भी है। अगर ये होता ना कि हाय मैं तो मुस्लिम हूँ मुझे तो इस देश में कुछ मिलेगा ही नहीं, तो आज भूखमरी से कितने लोग मर रहे होते, डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम का ना आज कहीं नाम नहीं होता दुनिया में, और इसी इंडिया में ना बहुत सारे मुस्लिम लोग है जो बहुत अच्छा नाम कर रहे हैं, काम कर रहे हैं, पैसा भी कमा रहे हैं। मेरे खुद के दोस्त है भैया, मैंने कितनी बार बताया, मेरे खुद के दोस्त है अच्छी खासी कंपनी में, नियत होती है। अभी मैं नारियल पानी लेके आया था, बंदी है, अभी मैं नारियल पानी लेके आया था, पेमेंट करी, वो भाई भी मुस्लिम था, ठीक है, मेहनत कर रहा है, काम कर रहा है, नारियल पानी बेच रहा है, ठीक है, गली में आते हैं वो भी, वो छोड़ वहां पर वो कर रहा है, मेरे सामने सामने में अगर एग्जांपल उसके 5-6 नारियल भी बिक गए तो घंटे भर में उसने 150-200 रुपए कमा लिए, शाम तक वो 10 घंटे मेहनत करेगा कुछ ना कुछ करके, भाई 1000 रुपए 1500 रुपए बचा लेगा ना अपनी जेब में,
क्योंकि एक नारियल पे कुछ भी कहो भैया, 20-25 रुपए 30 रुपए तो बचते ही होंगे, कोई भी 5 रुपए के लिए तो कोई चीज बेचेगा नहीं, परसेंटेज वाइज ही काम होता है हर एक चीज। और यहाँ पर हिंदू मुस्लिम की बात नहीं है, बात यह है कि यहाँ पर राजनीति इतनी बुरी कर दी गई है। नहीं अच्छा मुझे एक चीज बताओ, अगर मैं नॉर्मल सी बात करूं, कोई एक भी स्टेट, कोई एक भी गांव, ठीक है, या कोई एक भी मोहल्ला ऐसा बता देना कि जब आप राशन लेने जाते हो तो आपसे ये मांगा जाता है कि आप कौन से धर्म के हो। मैं स्पेशली बात कर रही हूँ मुस्लिम से, ठीक है, कि स्पेशल पर्टिकुलर बोल रही हूँ मैं, डायरेक्ट, इसमें मैं कोई गलत नहीं बोल रही हूँ। या अगर आप किसी भी आईटी फर्म में, आईटी फर्म छोड़ो, आप किसी भी उसमें जाते हो जॉब के लिए अगर जाते हो, क्या आपसे पूछा जाता है? अच्छा नाम में चलो पता चल जाता होगा, क्या आपको कोई ये बोलता है कि नहीं नहीं आप तो इस उसके हो, हम आपको ये जॉब नहीं नहीं दे होता, ऐसा सकते। नहीं होता। मान लो कोई हिंदू है, एजेंडा मैं चलाया नहीं, कुछ एक लोगों ने। नॉर्मल सी चीज बताना, मान लो एक हिंदू है, ठीक है, वो उसने 12वीं कर रखी है, एक मुस्लिम है, अच्छा भाई BA LLB करके कुछ करके गया, कंपनी में गया, तो क्या आपको कभी ये सुनने मिला है? नहीं नहीं तूने बेशक MBA कर रखा हो कुछ हो, बट तू मुस्लिम है जॉब नहीं लेगी, 12वीं वाले को उठा के दे दो या किसी सिख को उठा के दे दो, बट इसे नहीं दे। नहीं बोलते ना आपको ऐसा, क्योंकि वहां आपकी काबिलियत देखी काबिल, जाती अरे है, ये किसी देख को लेना, फर्क नहीं पड़ता आप इतने किसी उससे हो। इंटरव्यूज आ रहे हैं, और अगर आप सोशल मीडिया चलाते जो कि आज के टाइम पे सब चला रहे हैं, तो ऐसे ऐसे मैंने वीडियो देखी होंगी जिसके अंदर हिंदू कम्युनिटी के लोग नहीं, ना मैं एक चीज MBA बता करी, नौकरी नहीं मिल रही, MBA की फुल फॉर्म ना पता, नहीं पता, और अपना पर्सनल एक्सपीरियंस बता रही हूँ। 3 साल एक बहुत अच्छी कंपनी में जॉब करी थी, मेरी सीनियर जो थी वो मुस्लिम थी और इतनी एजुकेटेड थी चीकू, ठीक है, वो मुस्लिम थी, लेकिन जो उसमें, अरे वो बहुत अच्छी मैम थी, मैं तो, लोगों और ने हाँ एजेंडा चला रखा सुनो, है और जिन। जिन टेलर के साथ मैंने, मतलब जो जो मेरे सैंपल्स वगैरह बनवाती थी वो भी मुस्लिम थे, उनकी उनकी वजह से वो नहीं मैंने एक आए थे। चीज देख ली, इस देश में जिसने कान पे पट्टी लगा ली ना, हाँ उसने देश की, अगर जिसको देश का साथ नहीं देना, जिसको विकास से मतलब नहीं है, जिनको सिर्फ हिंदू मुस्लिम ही करना ना, उनकी मैंने देख लिया भाई। आज मैं वोट अगर अगर मोदी को डाल के आ रहा हूँ ना, तो मैं ये देखता हूँ मेरा देश कहाँ बढ़ रहा है, और मेरे देश 60 साल में किस तरीके से ग्रोथ करी है, लंगड़ू पंगड़ू होके चला था और आज सीना चौड़ा करके देश चल रहा है मेरा, हाँ इस चीज पर। और बात आती है, तुम तो अपना देख रहे हो, तुम्हारे तो खाने की रोटी, तो भाई जिसके पास नहीं है ना खाने की रोटी, उसको सरकार दे भी रही है, और जो नियत से कुछ कमाना चाहते हैं उसके बाद ऑप्शंस भी है। तो थोपना छोड़ दो कि बेरोजगारी है, कोई सरकार नहीं दे सकती नौकरी सबको, इन अंधविश्वासों से बाहर निकलो। लेकिन सबसे बड़ी दिक्कत है ऐसी वीडियोज ना ग्राउंड लेवल पर, जो मेजोरिटी लोग जो अगेंस्ट वोट करते हैं एग्जाम्पल मोदी के, उन तक पहुंचती नहीं है। क्योंकि हमने ना बहुत सारी वीडियोज देखी थी, कैसे गाँव गाँव जाके स्कूलों में जा जाके क्या बताया जाता है, आप उनमें मतलब नहीं है, पंजा किसका है, पंजे पे आप बटन दबाना और आप आपको इतने 1 लाख मिलेगी, मतलब सारा औरतों को देखिए भेजा हुआ वीडियोस है में जो सामने। फीमेल्स हाँ हैं, उनको पता है कि फीमेल इजीली कन्विंस कर लेंगी फीमेल को, इनको बना तो ले, उनको इस तरीके से पागल बनाया उनको तो ये गया बोल है। दे वोट डाल दोगे स्कीम आ जाएगी और आपको मिल जाएगा, बस उन्हें हाँ डाल बस दिया, उनके सरकार लिए तो आई फायदा नहीं, होता है। और आ भी जाती तो नहीं देते वो, हाँ 8,500 साल का 1 लाख रुपए नहीं देते, वो दे देते ना मिडिल क्लास लोग रोड पर निकला आता और कहता भैया टैक्स दो भर रहे हैं रुपए हम, भी, हाँ देश डेवलप कैसे होगा? 35 लाख करोड़ देश कमाता है, देश की तनख्वाह है 35 लाख करोड़ 1 साल की, उसमें से 32 लाख करोड़ आप ऐसे दे दोगे? और मेरे को वो सब टॉपिक छोड़, 8,000 रुपए मैं वापस एक चीज पूछती नेसेसिटी हूँ नहीं कि है। उसमें एक 2 साल का बच्चा था, भैया कौन से हक की लड़ाई लड़ रहे हो, कौन सी आजादी चाहिए, और कौन सा तुम्हें ऐसा भगवान या कोई भी तुम्हारा वो तुम्हें आजादी देने के लिए बैठा है कि अरे तुम कुछ ये नहीं सब है, काम एजेंडा करो। चला रखा है, आम आदमी बहुत खुश है वहां पर। हमने ऐसे वीडियो देखी, जो भाई बता रहा था एक बार कि मैं पहले हाँ पत्थरबाज था, मोदी जी का शुक्रिया करता है कि आज मैं बाहर निकला, ऐसा माहौल हुआ है वहां पर, हाँ ठीक है। कुछ लोग यार एक बार बता, बचपन से आप कई लोगों को पकड़ के बोलो तुम्हारे साथ बहुत अत्याचार हुआ है, हमारे अब परदादा इन हाँ, सब और पे। एक और चीज बताती हूँ, अब सोशल मीडिया पे एक वीडियो घूम रही है कि अब देखो कैसे कर रहे हैं सब कि हाय वो तो हिंदुओं की बस थी, तो देखो कोई भी ट्वीट नहीं कर रहा, अब पता है इसको कैसे काउंटर कर रहे हैं, देखो चाहे ये गलत हुआ है, गलत तो वहां पे भी हुआ था, जो क्या हुआ था कहाँ पे हुई थी वो, कुछ नहीं कर सकते आप किसी का, ये बेवकूफ हो चुके हैं ज्यादा लोग, और खासकर सो कॉल्ड इन्फ्लुएंसर जो बने हुए हैं उनको, और कमेंट में बताऊंगा ऐसे लोग हैं उनके, वो जिस चीज से एग्री करते हैं, अगर आप एग्री कर जाओगे तो ठीक है, नहीं करोगे एग्री तो वो खिलाफ हो जाए। अरे भैया तुम्हारे पॉइंट ऑफ व्यू सुनने दूसरे का, और जब आप पॉइंट ऑफ व्यू सुनते हो बुरी लगे बात बेशक, लेकिन यहां पर हम बात करते हैं देश की। सबसे पहले हमारे मुंह से कभी भी आप उस तरीके से कम्युनिटी वाइज नहीं सुनोगे आपकी हिंदू मुस्लिम कर दिया कुछ कर दिया। हम आते हैं यहाँ पर देश की बात करने के लिए कि ग्राउंड लेवल पर भी क्या जरूरत है और क्या फालतू खर्च है। 8,500 इसे फालतू खर्च, इसको दे दो 8,500, मैं क्यों राशन मेहनत भी दे करूंगी, दो, बैठ ओ लूंगी भैया आराम मैं भी से, मजे लूंगा मतलब जिंदगी के। क्यों मैं मेहनत करूंगी, बैठो आराम से, थोड़ा सोचो जागो। लेकिन यार ये वीडियो पहुंचती नहीं, दिक्कत ये है कि सोशल मीडिया आ गया, लेकिन ग्राउंड लेवल जिन तक पहुंची वीडियो और वहां तक हम पहुंचती नहीं नहीं। बोल रहे कि रिएक्शंस वीडियो को पहुंचाओ, जो ओरिजिनल वीडियो उसे ही शेयर कर लो, शायद लोगों तक पहुंचे। पहुंचती नहीं ना, मिलते वीडियो के साथ, बाय टेक केयर।